तो गाइस फाइनली बहुत टाइम बाद एक व्लॉग आ रहा है। हाँ, चैनल का पासवर्ड याद आ चुका है। अभी व्लॉग डल रहा है, पता नहीं कितने महीने बाद, आई थिंक 2-3 महीने हो चुके हैं अब शायद रेगुलर व्लॉग्स आए। मैंने अभी तक शायद स्ट्रीम पे रिवील कर दिया होगा कि मेरा इंडिया जाने का प्लान है नेक्स्ट मंथ, मतलब मई में। तो देखते हैं, तभी रेगुलर व्लॉग्स का कुछ प्लान बनाएं। बाकी तुम बताओ क्या करना है। अगर सब कुछ सही रहा तो जा पाएंगे, अगर कोविड का ज़्यादा सीन मतलब नहीं हुआ ख़राब तो जाएंगे इंडिया। तो उसके लिए आज का व्लॉग का मेन पर्पज़ है, हम जा रहे हैं लैपटॉप लेने, क्योंकि इंडिया जाऊंगा तो मैं पूरा सेटअप वापस लेके नहीं जा सकता। हम लेने वाले हैं लैपटॉप, जिससे मैं इंडिया से स्ट्रीम और थोड़ा बहुत एडिटिंग और ब्लॉग्स डेली मैं रिकॉर्ड करके रात को एडिट करके डाल सकता हूँ। स्ट्रीम वहाँ से थोड़ी बहुत देखेंगे जितना टाइम मिला कर पाएंगे। तो लैपटॉप मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं एसुस और लिनोवो के बीच में कन्फ्यूज़ था, बट लास्ट में मुझे लिनोवो लीजन 7 पे काफ़ी बढ़िया डील मिल रही है। उसमें है RTX 3080 एंड राइजन 9 1500HX, तो मैं वो ले रहा हूँ। एंड आई विल बी सेटिंग अप दैट फॉर स्ट्रीमिंग, मतलब ड्यूअल PC कर लूँगा मैं। तो उसके लिए कैप्चर कार्ड भी लेना है। तो आज के ब्लॉग में हम लेंगे पहले लैपटॉप लेंगे, उसके बाद कैप्चर कार्ड लेंगे, फिर मिलते हैं यार बाहर, देखते हैं जितना रिकॉर्ड कर पाता हूँ दिखाऊंगा। एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, 4K इस पर अभी तक ना हुआ है। और तुम बोलते हो रेगुलर व्लॉग नहीं आते, भाई कर दो यार, इंडिया में ट्राई करूंगा मैं, 20-25 दिन जा रहा हूँ तो रेगुलर व्लॉग्स मतलब डेली व्लॉग्स। इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा वो बताओ, और ये कैसी लगी वीडियो कमेंट करके पूरी देखने के बाद बताना। और अभी फुल स्क्रीन कर लो और मजे से इंजॉय करो, लाइक कर दो, अभी चलते हैं बाहर। यस, सो गाइज वी आर हियर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मीना बाजार, जहाँ से मुझे लैपटॉप लेना है। ये पूरा एरिया दिख रहा होगा तुमको यहाँ पे, ये देखो। तो बस आगे दुकान की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से लेते हैं, और थोड़ा बहुत मैं अंदर भी ट्राई करता हूँ रिकॉर्ड करने का। अरे ऊपर कुछ था तो थोड़ा कैमरा कट गया, सॉरी। चलो चलते हैं आगे, ये बस शॉप, मैं कैमरा टर्न करके दिखा देता हूँ। तो गाइस ये है होलसेल गेमिंग मार्केट, देखो सामने लिनोवो एसुस सबके बोर्ड लगे हैं, ऑफिशियल डीलर्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाएगा सब। तो अभी चलते हैं, हमारा शॉप तो आगे, वहाँ से चलेंगे डायरेक्ट लेंगे अब। सो गाइज वी आर इनसाइड कंप्यूटर प्लाजा, इसको एशियाज़ बिगेस्ट गेमिंग मार्केट बोलते हैं, ऐसा मैंने थोड़ा टाइम पहले सुना था। यहाँ से हम लेंगे हमारा कैप्चर कार्ड ड्यूअल PC स्ट्रीमिंग के लिए। तो गाइज कैप्चर कार्ड भी ले लिया है यहाँ से, अभी हम निकल रहे हैं कंप्यूटर प्लाजा से, फिर घर चलते हैं, फिर करते हैं बात, प्राइजिंग की भी बात करेंगे। तो गाइज फाइनली घर पे आ गए हैं, और मैंने क्या क्या लिया तुमने देखा ही होगा, मैंने लिनोवो लीजन वो ले लिया जो मुझे लेना था, एंड साथ में कैप्चर कार्ड भी ले लिया ड्यूअल PC स्ट्रीम के लिए, 4K 60S एलगाटो का। अब मेरे पास टोटल 3 कैप्चर कार्ड हो गए, एक PS4 के लिए है, एक मेरे कैमरा के लिए है, एंड एक ये भी हो जाएगा ड्यूअल PC के लिए। अभी दिखाता हूँ क्या क्या लिया। तो भाई एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था यार वो दुकान के अंदर, उसने थोड़ा रिकॉर्ड करने को मतलब उसको थोड़ी दिक्कत थी तो मैंने नहीं किया ज़्यादा रिकॉर्ड। एंड बाकी अलिन सेंटर गए थे हम, जो एशियाज़ बिगेस्ट गेमिंग मार्केट कहा जाता था, एक टाइम मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने इसलिए वहाँ पर बोला था। तो वो वहाँ गए थे, वहाँ से हमने लिया ये कैप्चर कार्ड, और उसके बाद अभी लैपटॉप का कूलिंग पैड लेना, लेकिन काफ़ी लेट हो गई, अभी रात के 12 बज रहे हैं और वहाँ पे 10:30 सब बंद हो जाता है। तो कुछ मिला नहीं मुझे कूलिंग पैड, अभी कल लेंगे। बाकी अभी क्या लिया है मैं दिखा देता हूँ एक बार तुमको। तो गाइस ये रहा अपना लैपटॉप लिनोवो लीजन 7 राइजन 9 1500HX एंड RTX 3080, जो भाई मेरे PC से भी पावरफुल हो जाएगा थोड़ा। एंड इसमें 32 GB रैम है, 2 TB की SSD है, और साथ में ये है एलगाटो 4K 60S प्लस, जो कैप्चर कार्ड मुझे ड्यूअल PC में काम आएगा। अब इसका सब बैठ के सेटअप करना है, जिसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन मज़ा आएगा यार, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। एंड हाँ, प्राइस की बात कर लूँ तो एक सेकेंड में बताता हूँ, ये अपना फाइनल पीस है मेरा, वही एक्साइटमेंट ही बहुत ज़्यादा है, इसको अनबॉक्सिंग भी करनी है अभी, इसकी अनबॉक्सिंग आएगी नेक्स्ट वीडियो में। सो
स्टे ट्यून्ड यार, सब्सक्राइब तो किया ही होगा, नहीं किया तो कर दो। और एक सेकंड में प्राइस बता देता हूँ। यस, सो गाइस इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मुझे लैपटॉप पड़ा अराउंड 9000 दिरहम्स का, विच कम्स टू अराउंड 1,80,000, एंड मतलब काफ़ी चीप में पड़ गया। इंडिया में ये लैपटॉप भी करंट मतलब लेनोवो की ऑफिशियल वेबसाइट पे 2,55,000 का है, तो इस हिसाब से तुम लगा सकते हो कितना सस्ता पड़ा, क्योंकि लोग ज़्यादातर यही पूछते हैं कि दुबई में इलेक्ट्रॉनिक्स कितना सस्ता पड़ रहा है। तो मैं मतलब प्राइस बता दूँ कमेंट में, फिर वरना पिन करना पड़ेगा, मैं हर बार भूल जाता हूँ। और एलगाटो का फोर के 60S प्लस, ये 4K सबसे मैक्स वाला ये कैप्चर कार्ड है, सबसे महंगा भी, ये मुझे अराउंड पड़ा 1400 दिरहम्स, मतलब विच कम्स टू 27,000-28,000 रुपीज़, जो वो भी मेरे को काफ़ी चीप में पड़ा। थोड़ा मेरे को लगा था और सस्ता मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे भी शॉर्टेज है उसकी, तो इंडिया में अराउंड 38,000 का है। तो भाई अब तो रेडी हो जाओ, स्ट्रीम की क्वालिटी अपनी वैसे ही बहुत अच्छी थी, 2K में स्ट्रीम करते, अभी भी 2K में ही होगी, लेकिन बहुत बढ़िया बिट रेट में, एंड तुमको बहुत सारे गेम्स की क्वालिटी भी सब अब मैक्स मिलेगी, क्योंकि एक गेमिंग के लिए पीस हो जाएगा एंड इसको मैं यूज़ करूँगा स्ट्रीमिंग के लिए। बाकी इंडिया जाएंगे तो इससे गेमिंग प्लस स्ट्रीमिंग दोनों करना पड़ेगा, एंड इट्स दिस मच पावरफुल। भाई बोला भी जरा, इतना एक्साइटमेंट है कि ये मेरा मतलब स्ट्रीम गेम दोनों साथ में करवा देगा, जैसा भी मैं PC से करता हूँ वैसा, मतलब एक महीना जितना मैं जाऊँगा उतने दिनों में जितने दिन स्ट्रीम कर पाया। बाकी एडिटिंग के लिए तो बीस्ट है, इसमें राइजन 9 है, 5900HX, मेरे PC में 3900X है, और इसमें 3080 है, 16GB वाला वेरियंट बाय द वे, मेरे PC में 2080 सुपर है 8GB वाला, बट वही लैपटॉप GPU है, तो थोड़ा मतलब 2080 सुपर से थोड़ी सी ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी इसकी, थोड़ी मतलब 25% शायद ज़्यादा होगी, बट ठीक है, इसको मैं स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को चाहिए लैपटॉप मेरा लॉन्ग टर्म चले, जब भी मेरे को कहीं भी ट्रैवल करना हो सो मैं उसमें एडिट भी कर सकूँ, स्ट्रीम भी कर पाऊँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, अनबॉक्सिंग नेक्स्ट वीडियो में मैं बस इसका अनबॉक्सिंग करूँगा, तुमको एक्साइटमेंट दिख रही होगी, शायद बोल भी ना पा रहा ढंग से, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड बेल आइकन दबा देना, नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। एंड इंडिया मैं जा रहा हूँ 20-25 दिन जो भी, तो उसके लिए रेगुलर व्लॉग्स जितने भी 20 दिन का कुछ भी मतलब जो भी मैं मेरी लाइफ में हो रहा है ऐसे व्लॉग्स अगर तुमको चाहिए, सॉरी माइक हाथ लगा एक दो बार, तो ये आदत नहीं है ना कॉलर माइक की, तो वो बताना क्या तुम पसंद करोगे डेली व्लॉग्स, तो मेरा मन तो है, बाकी देखते हैं। 4000 तो अभी भी ना हो इस पर, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं, सी यू सून।